वर्तमान समय में हमारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वॉर और ओवर पॉपुलेशन जैसे बेहद ही बड़े खतरों से गुजर रही है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। ऐसे में हमें मानव जाति को इस विशाल ब्रह्मांड में बचाए रखने के लिए हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस में सबसे आगे नजर आता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। पर मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना काफी खर्चीला और समय लगाने वाला हो सकता है। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को ही जीने लायक बना सकें, यानी उसे टेराफॉर्म कर सकें। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के उपाय सुझाए हैं और हाल ही में वैज्ञानिक न्यूकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर कई परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे मंगल ग्रह को मानवों के रहने लायक बना सकता है, यह सब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वह होगा जिसमें मानव सभ्यता को अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़े। पर ये कल्पनाएं निराधार नहीं हैं। इस समय मानव जाति ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, न्यूक्लियर वॉर, ओवर पॉपुलेशन आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी मीटियोराइट या एस्ट्रॉइड के टकरा जाने के जानलेवा खतरे का भी सामना कर रही हैं। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। इस विषय में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ऐसे में अगर हमें मानव जाति को बचाए रखना है तो हमें पृथ्वी के परे दूसरे ग्रहों में मानव कॉलोनियां और बस्तियां बसानी होगी। सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों और रिसर्च से हमें यह पता चला है कि भविष्य में पृथ्वी से परे स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं मौजूद हैं। दोनों ही ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समान हुआ है, साथ ही दोनों ही ग्रहों की भौगोलिक संरचनाएं भी लगभग समान हैं। हालांकि मंगल एक बेहद ही शुष्क और ठंडा ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इत्यादि। साथ ही वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पुरानी नदियों, तालाबों और जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सुराग मिले हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी पृथ्वी की तरह ही लिक्विड वाटर और शायद जीवन भी मौजूद रहा होगा। लेकिन इन समानताओं के साथ दोनों ही ग्रहों के बीच कई अंतर भी मौजूद हैं, जो कि मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के रास्ते में बड़ी चुनौतियां साबित हो सकती हैं। मंगल ग्रह पर न तो वायु पर्याप्त है और न ही सूरज की रोशनी। वहां का अधिकतम तापमान एंटार्क्टिका के न्यूनतम तापमान के बराबर है। इसका वायुमंडल भी काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक सोलर रेडिएशन मंगल ग्रह के सतह पर सीधे धावा बोलती हैं। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित हो सकता है। साथ ही इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से काफी कम है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले एस्ट्रोनॉट्स को बोन लॉस और मसल लॉस जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना मानवों के लिए काफी कठिन होने वाला है, जिसमें काफी खर्च और समय लग सकता है। ऐसे में एक काफी अच्छा विकल्प यह हो सकता है कि हम पूरे मंगल ग्रह की परिस्थितियों को ही बदल कर पृथ्वी जैसा बना दें, यानी उसे टेराफॉर्म कर लें। कई सालों तक चले रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब भी सुझाए हैं, जिनकी मदद से हम मंगल ग्रह को मानवों के रहने लायक बना सकते हैं। भले ही यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। इससे जुड़ा हालिया सुझाव मशहूर बिलियनियर और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने दिया है। स्पेसएक्स एक कंपनी है जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बनाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा, ईसा,
जैक्सा और इसरो से काफी ज्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए है। यह कंपनी इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने और पहले मानवों को मंगल ग्रह की सतह पर उतारने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। स्पेसएक्स के मुखिया इलोन मस्क का मानना है कि अगर हमें मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाना है तो हमें सबसे पहले उसके एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर को पृथ्वी जैसा बनाना होगा, साथ ही वहां पानी जैसी जरूरी चीजों को भी खोजना होगा। उन्होंने इसके लिए एक बेहद ही आसान और कारगर तरीका भी सुझाया है। उनके अनुसार मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किए जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियर्स को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस भी निकलेंगे, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेंगे, जिससे एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल ग्रह के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता चला जाएगा, जिससे हम सोलर रेडिएशन से बच सकते हैं। इलोन मस्क और दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में ऐसे कुछ हजार न्यूक्लियर विस्फोट कर कुछ सैकड़ों सालों में हम इसे फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में यह तकनीक जितनी आसान और रोमांचक लगती है, वह इतनी है नहीं। इस तकनीक में काफी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल ग्रह के औसत तापमान में भारी गिरावट आ सकती है और वहां न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है, जिसके वजह से वहां का वातावरण गर्म होने के बजाय और ठंडा हो सकता है। साथ ही इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के एकलौते उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो इलोन मस्क के विचार बेहद भयानक है। बेहतर होगा हम मंगल पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे किसी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को तबाह न कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े हुए अपडेट्स और वीडियोज़ लाता रहूँगा।